हस्तमैथुन करने समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसके लिए मैं आपसे भी बात करने वाला हूँ। मैं डॉक्टर दीपक गड़ेकर आपका स्वागत करता हूँ। पिछले 38 साल से मैं अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ करके। हस्तमैथुन एकदम नॉर्मल प्रक्रिया है, हस्तमैथुन से कुछ खराबी होती नहीं है, हस्तमैथुन नेचुरल है और सेहत के लिए अच्छे है। यह हमारा साइंटिफिक चैनल है, मैं आपसे बात करने वाला हूँ साइंटिफिकली, मैं अपने मन से कुछ बातचीत नहीं करने वाला हूँ। जो नो फैप मूवमेंट है सब बकवास है, हस्तमैथुन नहीं करना चाहिए, वीर्य रोकना चाहिए, वीर्य रोक दिया तो वो दिमाग में जाएगा, दिमाग को ताकत आएंगी, सब बकवास है। हम बोलते हैं हस्तमैथुन करो, हस्तमैथुन आप नहीं करेंगे तो सपने में वीर्य जाएगा, उसको बोलते हैं नॉक्चर्नल इमिशन, नाइट फॉल्स बोलते हैं उसको, या फिर संडास के समय, लैट्रिन के समय, पेशाब के समय वीर्य निकल जाएगा, कहीं भी वीर्य निकल जाएगा, अंदर रुकता है वहीं वीर्य। हस्तमैथुन करने से क्या होगा, एक तो आपको समाधान भी मिल जाएगा, आपको सेक्स करने के लिए बाहर कहीं जाने की इच्छा नहीं होगी क्योंकि आपको घर में हाथ से ही समाधान मिल जाएगा, इसलिए हस्तमैथुन करना अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी के बाद में भी आप हस्तमैथुन कर सकते हैं, यदि औरत घर में नहीं है, कोऑपरेटिव नहीं है, वो प्रेग्नेंट है, बाहर गाँव गई है, या आप बाहर गाँव गए हो तो कभी भी आप हस्तमैथुन करते हैं तो सेक्स की भूख शांत हो जाएगी। अब हस्तमैथुन कैसे करना चाहिए वो देखो, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। एक तो क्या है कि हस्तमैथुन जो है वो हस्तमैथुन हाथ से करना चाहिए। नंबर एक, आपको हाथ धो के लेना है, एंटीसेप्टिक लगाओ, डेटॉल साबुन से हाथ धो लो, मतलब कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम लगे, लोशन वगैरह से हाथ धो के साबुन से हाथ धोना चाहिए, हाथ गंदे नहीं होना चाहिए ताकि इन्फेक्शन नहीं लगेगा। आपने लिंग भी धो के लेना चाहिए, और जब आप हस्तमैथुन करते हैं तो आपको आजू बाजू का वातावरण शांत होना चाहिए, शांति से आप सोच रहे हैं, आप कल्पना कर रहे हैं कि आप आपके गर्लफ्रेंड के साथ में, या आपके वाइफ के साथ में, या आपको इस जो भी आपको अच्छी लगती है उसके साथ में आप सेक्स कर रहे हो, उसकी कल्पना आप कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो, और उसमें आपको आनंद आएगा। आप घर्षण जो करते हैं, यदि वहाँ गीलापन नहीं है, गीलापन नहीं है वहाँ लिंग के ऊपर, तो आपको लुब्रिकेटिंग जेल लगाना चाहिए, क्योंकि गीलापन नहीं है तो क्या होगा, गीलापन भी नहीं और आप घिस रहे हैं तो वहाँ जख्म हो सकती है और वो अच्छी नहीं है, फिर उससे और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गीलापन होना जरूरी है, तो उसके लिए जो चिपचिपा पानी आता है वो जरूरी है आना, चिपचिपा पानी आएगा तो चिकना हो जाएगा, उसमें आपको अच्छा भी लगेगा, एक्साइटमेंट भी अच्छा होगा और जख्म भी नहीं होगी। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं बेड खराब हो जाएगा, तो आप कंडोम वापर सकते हैं और कंडोम से आप हस्तमैथुन कर सकते हैं, ताकि कंडोम में वीर्य गिरेगा और कंडोम फिर बाहर फेंक दो निकाल के। आपको यदि ऐसा लगता है कि नहीं आपने सेक्स जैसा करते हो वैसा करना चाहिए हस्तमैथुन, तो आप कंडोम लगा के बेड के ऊपर घिस सकते हैं, ताकि आपको तकलीफ भी नहीं होगी, घर्षण भी नहीं होगा, जख्म भी नहीं होंगी, और बेड करो, बेड के ऊपर मतलब एकदम सॉफ्ट जो है बेड उसके ऊपर आपको करना है, और जख्म नहीं होंगी, ताकि आपको अच्छा भी लगेगा, मज़ा भी आएगा और आपको सेक्स जैसा अनुभव आएगा। कभी कभी हो सकता है कि ऐसा आपको लगा कि नहीं एकदम नेचुरल तरीके से लगना चाहिए, तो सेक्स डॉल्स आप खरीद सकते हैं। सेक्स डॉल में उसको क्या होता है, उसको रबर का रहता है या अलग अलग मतलब लेटेक्स का रहता है, तो उसमें योनि जैसा छेद रहता है, तो आपको ऐसा अनुभव आएगा कि आप योनि में लिंग डाल रहे हैं और उसमें आपको बहुत अच्छा आनंद आएगा, और जैसा सेक्स करते वैसा सेक्स का अनुभव आएगा। तो इस तरह का आप हस्तमैथुन कर सकते हैं। हस्तमैथुन आप एक दूसरे का भी कर सकते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी, पुरुष स्त्री है, और उनको कई कारण से नहीं करना है सेक्स, तो फिर आप एक दूसरे का हस्तमैथुन करके मन की शांति कर देते हैं तो कर सकते हैं। हो सकता है कि आप मंथली पीरियड्स है उसमें आप सेक्स नहीं करना चाहते हैं, या प्रेगनेंसी के आखिरी दिन है, या प्रेगनेंसी की शुरुआत है, तभी सेक्स नहीं कर सकते हैं, तो उसमें स्त्री पुरुष का हस्तमैथुन करके दे सकती है, और उस समय भी उसने यही सावधानी बरतनी चाहिए। जब होमोसेक्सुअल से हस्तमैथुन करते हैं, लड़की लड़की जो है लेस्बियंस वो हस्तमैथुन करते हैं, पुरुष पुरुष गे हस्तमैथुन करते हैं, तो उसी समय भी यही सावधानी बरतनी चाहिए कि साफ सुथरा हाथ हो, लिंग साफ सुथरा हो, जगह शांत हो। ऐसा नहीं है कि लेटरिन में कर रहे, बाथरूम में कर रहे, भर भर कुछ तो भी कर रहे, फटफट फटफट कर रहे, उससे क्या हो जाएगा, उससे फटफट जल्दी जल्दी करने की आदत लग जाएगी और शादी के बाद में शीघ्र पतन की बीमारी लग जाएगी। हस्तमैथुन अपनी इच्छा नहीं है तो नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करना है, इच्छा के खिलाफ नहीं करना है, नहीं करना ही पड़ता है ऐसा मत करो, एंजॉय करना चाहिए और आराम आराम से करना चाहिए। हस्तमैथुन
5 से 15 मिनट तक चलना चाहिए, आराम आराम से कर रहे, शांति से, उसमें बहुत आपको अच्छा लगेगा और सेक्स का अनुभव आएगा, जिससे फिर आपको सेक्स करने की इच्छा नहीं होगी। यदि आप वो सेक्स नहीं कर सकते तो फिर जाने की इच्छा नहीं, तो क्या होता है कि लोग हस्ते मिथुन करते नहीं है, फिर जाएंगे बाहर गर्लफ्रेंड के पास में जाएंगे, वेश्या के पास में जाएंगे, सेक्स वर्कर के पास में जाएंगे, फिर वहाँ भी जल्दी जल्दी करो, पुलिस आएंगी पकड़ लेंगी, वो भी बोलती जल्दी जल्दी करो, बीमारियाँ लगने की मतलब एक प्रॉब्लम और है। तो ऐसे इसमें हस्त मिथुन करते हैं तो बहुत बेस्ट है। हस्त मिथुन से कुछ भी नुकसान होता नहीं है, वजन कम होता नहीं है, लिंग दुबला पतला छोटा कुछ भी होता नहीं है, चेहरे के ऊपर दाग आते नहीं है, पिंपल्स आते नहीं है, वजन कम नहीं होता, हस्त मिथुन से कुछ भी नुकसान होता नहीं है। यदि आपको मेरे से कंसल्टेशन करना है, हमारे केड़कर हॉस्पिटल के डॉक्टर से कंसल्टेशन करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसके ऊपर सिर्फ आप नाम मात्र 150 रुपये भर देते हैं तो आपको हमारे डॉक्टर का कॉल आ जाएगा, आपके सभी प्रॉब्लम जो है, लिंग में कठोरता नहीं आना, टाइटनेस नहीं आना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, प्री मैच इजैकुलेशन है, हस्त मिथुन की लत है, नाइट फॉल्स है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, हमारे डॉक्टर से कंसल्टेशन कर सकते हैं। वो आपको टाइम देंगे, आप बात करो, वो मेरे से बात करके फिर बाद में हम आपको यहाँ से मेडिकल से दवा भेज सकते हैं। तो आप नीचे जो लिंक दी उसके ऊपर क्लिक करके नाम मात्र सिर्फ 150 रुपये भर के हमारे डॉक्टर से कंसल्टेशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।